आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग वीडियो फुल एंड तक देखा कीजिए। व्हाट्स अप गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी जो हमारा ये मॉनसून सीजन चल रहा है वो एंजॉय कर रहे होंगे, खासकर हमारे इंदौर की और मुंबई की पब्लिक जहां बारिश बहुत ही तेज होने वाली है। और बारिश के साथ साथ एक और चीज़ है जो बहुत ही जल्दी आने वाली है, वो है हमारे गणपति बाप्पा। और गणपति बाप्पा अभी आगमन शुरू हो चुका है और अभी 31 तारीख को ही गणेश चतुर्थी है, जिस दिन मतलब सभी के घरों में गणपति आ जाएंगे। और मुंबई में तो मैंने ऐसा भी सुना पहले से ही मूर्तियां सब आ जाती हैं बहुत ही जोर शोर से और बहुत ही अच्छे से आती हैं। तो ऐसे ही कुछ जगह मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ जहाँ हम देखने वाले हैं कि बाप्पा को कैसे बनाया जाता है, उनकी मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती हैं और जो हमारी ट्रेडिशनल वे में जो बंगाली मूर्तियाँ बनती हैं वो कैसे बनती हैं। तो आज हम यहाँ जाने वाले हैं, एक टूर लेने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे इन मूर्तियों को बनाया जाता है, कितनी प्यार से और कितने अच्छे से इनको सजाया जाता है। तो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे मैंने मूर्तियाँ देखी थी बनती हुई। ये बंगाली स्क्वायर जो है हमारा, उसके पास में यहाँ पे मूर्तियाँ बनती हर साल। पहले ये रोड के पास में ही बनाते थे पूरा सेटअप, बट बारिश के कारण इन्होंने अभी पूरा सेटअप पीछे कर दिया है। और मतलब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी ये मेरे पीछे यहाँ भी स्ट्रक्चर बना हुआ रखा है गणेश जी की मूर्ति का, और अंदर कई सारी मूर्तियाँ जो कि अभी आपने सिनेमैटिक में देखी। और हम अंदर जा रहे हैं अभी और अंदर चल के मैं आपको बताता हूँ यहाँ के जो मतलब बनाते हैं जो मूर्ति, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो अवेलेबल हुए तो उनसे भी बात करेंगे। तो गाइज अभी मैं चारों तरफ से मूर्तियों से घिरा हुआ हूँ और यहाँ पे जहाँ देखें वहाँ पे मतलब चारों तरफ गणेश जी की मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे आसपास हर प्रकार की मूर्तियाँ हैं जो कि 4500 की रेंज से स्टार्ट है। तो उसके बाद ये मतलब जाती हैं जो क्लाइंट की डिमांड हो, जो डिज़ाइन हो उस हिसाब से। और ये छोटू अभी सबको चाय पिलाई है इसने और ये वीडियो में आएगा, वीडियो में तू भी तो ये पूछ रहा था भैया आप वीडियो बना रहे हो? मैंने बोला हाँ यूट्यूब चैनल है अपना, हम वीडियो बना रहे हैं। और मैं आप लोगों को और भी मूर्तियाँ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ जो मूर्तियाँ हैं नॉर्मल वाली मूर्तियाँ वो हैं, यहाँ कैमरा टर्न करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज ऐसी कुछ ये जो अपनी खजराना गणेश वाली फेमस स्टाइल वाली जो मूर्तियाँ होती हैं, ये ऐसी मूर्तियाँ यहाँ भी बनती हैं ये मूर्तियाँ। और जैसे ये ह्यूज साइज की जो मूर्तियाँ हैं, जैसे कि ये मूर्ति देखिए आप, जो इसका मतलब ओरिजिनल लुक है ये कुछ ऐसा आएगा। और ये अभी बन रही है मूर्ति, इन मेकिंग है अभी, यहाँ पे क्लोथ्स नहीं आए हैं गणेश जी के, और पूरी ज्वेलरीज और ये सब पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, बस कलर और फाइनल टचेस बाकी हैं इसमें। और जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं ये मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है, मतलब ये बिल्कुल वो वाली दगड़ू गणेश वाली फीलिंग आ रही है। और ये मूर्ति आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे शिव जी का पूरा मतलब बैकग्राउंड दिया गया है, जो शिव जी का फेस है यहाँ उनका हाथ है और ये गणेश जी हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे सामने। अभी ये मूर्तियाँ इनकम्प्लीट है, मतलब ये कम्प्लीट होने वाली हैं, ऑर्डर पे किसी के लिए बन रही हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं ये मूर्ति, और ये भी बहुत ही प्यारी बनाई गई है, मतलब ये कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है शिव जी वाला कुछ टच देने की कोशिश की गई है इसमें। और ये स्ट्रक्चर जो हैं, ये सारी मूर्तियों के स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे जो कि यूज़ होंगे अभी मूर्तियाँ बनाने में। और ये पूरी मिट्टी से बनाई जा रही हैं यहाँ पे मूर्तियाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये काली मिट्टी से पूरी बनाई जा रही है ये मूर्तियाँ यहाँ पे। और ये छोटू हमको घुमा रहा है अभी क्या क्या है क्या नहीं है सब, उसको पता है ये यहाँ पे चाय देने आता है। तो ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है मूर्ति का, ये पूरे हाथ बन चुके हैं अभी और ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया है, अभी फेस बनना बाकी है और बाकी का पूरा स्ट्रक्चर पीछे का जो है वो बैकग्राउंड बना। तो गाइज मैंने अभी यहाँ पे कुछ लोगों से बात की तो आज यहाँ पे काम बंद है, जो कि मूर्तियाँ बन चुकी हैं वो यहाँ से सेल आउट हो रही हैं और बाहर निकाली जा रही हैं यहाँ से बनाने के बाद।
बाकी अभी जो इन वर्किंग है जो मूर्तियां, वो अभी उन पे काम चलने वाला है, आज काम बंद है, तो सॉरी अभी हम आपको काम होता हुआ नहीं दिखा पाएंगे। बाकी आप लोगों को मैंने जो डिटेल्स दी हैं वो मैंने यहीं से जो जानकारी सभी लोगों से ली थी, उन जानकारियों को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं कैमरा टर्न करके आपको और भी गणेश की मूर्तियाँ दिखाता हूँ, गणेश जी की जो बहुत ही ह्यूज बनी हुई हैं और यहाँ की सबसे बड़ी मूर्तियाँ हैं वो। तो अभी मैं कैमरा टर्न करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी जो ये कार्विंग है पूरी मैं हाथ से टच नहीं कर सकता इनको, ये अभी 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 बनाई गई हैं और ये फ्रेश हैं बिल्कुल, मतलब ये अभी जस्ट सूखी हैं और इन पे कलर किया गया है थोड़ी देर पहले ही। अभी मेरे आने से पहले वर्कर सब यहाँ से जा चुके थे। और ये कार्विंग जो है, ये पूरी ज्वेलरी जो है गणेश जी की, ये पूरी मतलब हाथों से बनाई गई हैं, पूरी हाथों से कार्व की गई हैं। और मैं जिन बड़ी मूर्तियों की बात कर रहा था वो एक ये मूर्ति है और एक वो जो भैया खड़े हैं उनके पीछे जो मूर्ति है बड़ी वाली, ये दो मूर्तियां हैं जो यहाँ पे सबसे ही ज़्यादा बड़ी हैं और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। इनका जो पगड़ी है वो कितना ही प्यारा लग रहा है। उसके बाद ये जो मूर्ति है ये भी बहुत शानदार लग रही है, इसका मतलब जो लुक है वो बहुत प्यारा आएगा बनने के बाद। इसका जो फोटो है ये आप देखिए। तो यहाँ पे क्लाइंट डिमांड पे हर प्रकार की मूर्तियाँ, जो बंगाली मूर्तियाँ होती हैं, जो फेमस मूर्तियाँ होती हैं, जो मतलब जैसे आपको छोटे रूप में जो मूर्तियाँ बनानी है, जैसे आपका वो हमारे जो महाराष्ट्र में जो फेमस मूर्तियाँ हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, उनका अगर छोटा स्वरूप भी आपको बनाना है तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। 4500 से ये प्राइजेस स्टार्ट है यहाँ पे, और उसके बाद जो क्लाइंट की मतलब चॉइस रहती है उस पर डिपेंड करता है और उस हिसाब से ये रेट्स बताते हैं। अभी यहाँ पे कुछ और मूर्तियाँ हैं जो मतलब अभी फ्रेश फ्रेश कलर होके रखाई हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइज ऐसी ये कुछ मूर्तियाँ जो अभी मतलब फ्रेश फ्रेश कलर होके यहाँ पे रखाई हैं। और मतलब बाकी आप जितना देखोगे यहाँ से लेके उस कॉर्नर तक और पीछे पूरा, मतलब ये मिनीचर छोटी वाली जो मूर्तियाँ हैं जो 4500 की रेंजेस में है, वो सारी मूर्तियाँ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कोई भी आके ले सकते हैं। ये वीडियो हमारा कल डल जाएगा, मतलब किसी भी हालत में कल मैं डाल दूंगा इस वीडियो को। तो आप लोग गणेश चतुर्थी के पहले आके यहाँ बुकिंग करा सकते हैं या फिर बनवा सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और अभी मूर्तियों पे कलर करने का जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में। तो हम ट्राई करते हैं अगर हम उसको कवर कर पाए तो ये जो भैया हैं ये यहाँ पे मूर्तियों पे कलर करते हैं और ये अभी स्टार्ट करने वाले हैं मूर्तियों पे कलर करना। तो अभी कलर फिल किया जा रहा है और उसके बाद ये स्प्रे गन से स्प्रे किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मूर्तियों में जो है कपड़ा लगाने की तैयारी की जा रही है, इनकी जो पोशाक है वो पूरी बनाई जाएगी। तो कुछ ऐसा लगाया जाता है यहाँ पे कपड़ा। और दादा कितने सालों से लगा रहे हैं आप लोग ये? हाँ कितने सालों से लगा रहे हैं? हाँ 20 साल हो गया। 20 साल हो चुके हैं यहाँ पे दादा को, मतलब ये पूरी मूर्तियों में कपड़ा लगाते हुए। और 20 सालों से ये हर साल मतलब ये यहीं पे बंगाली स्क्वायर के पास में ये जो ये मूर्ति बनाने का जो शॉप है ये लगता है और यहीं पे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उन मूर्तियों में दादा ही कपड़ा लगा रहे हैं। पिछले 20 सालों से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये मूर्तियाँ जो हैं
दादा 20 साल से ऊपर हो गए मेरे हिसाब से तो यहाँ बनते हुए, है ना? 20 वही दादा पहले बाहर भी काम कर चुके हैं और यहाँ भी मतलब 20 साल से यहाँ कर रहे हैं। और मतलब ये जो बनाने वाला जो एरिया है, मतलब ये जो शॉप है, ये 20 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मतलब मेरे को अराउंड, मेरी एज हो गई अभी 22, और मैं देखते आ रहा हूँ बचपन से ही ये यहाँ पे मूर्तियाँ बन रही है। मेरा सपना था एक दिन यहाँ विजिट करने का, और आज गजानन महाराज की कृपा से ये भी पूरा हो गया। तो यहाँ पे मूर्तियों के स्ट्रक्चर के लिए जो लकड़ियाँ हैं वो छीली जाती हैं बाहर। और ये जो शॉप है, ये शॉप है पूरी यहाँ पे। ये पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है, मतलब एक निशान के तौर पे आप इसको देख लीजिए कि ये पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है। और ये यहाँ पे आपको मतलब ये जो अपना ब्रिज है, ब्रिज से ही दिख जाएगा, या फिर बंगाली से आप लोग अगर नीचे आएंगे तो ये। तो गाइज, अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरी जो DIY गणेश वाली जो वीडियो थी, वो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखी हो तो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद, और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग वीडियो फुल एंड तक देखा कीजिए, ताकि अगर वीडियो में कुछ चीजें छुपी हो आप लोगों के लिए स्पेशल, तो आपको दिख जाए। तो अभी फिलहाल के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।